हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आप लोग के साथ एक मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ, जो कि मैं खुद के ऊपर बहुत दिनों के बाद मैं खुद के ऊपर मेकअप कर रही हूँ। तो मैं अपने मेकअप को हमेशा नेचुरल रखने की कोशिश करती हूँ। मुझे नेचुरल मेकअप करना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और अगर आप कहीं पार्टी वगैरह पर जाते हो तो ये वाला मेकअप लुक आप इजिली क्रिएट कर सकते हो। सो गाइस, स्किन केयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ गुड वाइब्स की टी ट्री टोनर। मॉइस्चराइजर के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है मामा अर्थ का बेबी क्रीम। मुझे बेबी क्रीम लगाना काफ़ी ज़्यादा पसंद है, स्पेशली ऑन डे टाइम। सीरम में मैंने यूज़ किया है स्टिक ओके का सीरम। देन लिप्स को भी हाइड्रेट करना ज़रूरी है, क्योंकि हम लिपस्टिक यूज़ करने वाले हैं, इसीलिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ लिप बाम के लिए हिमालय का लिप बाम। देन प्राइमर के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है कलबा का प्राइमर। आईब्रो के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है म्यूज़िक फ्लावर का आईब्रो पोमेड। और एक फ्लैट ब्रश से मैं यहाँ पे अपने आईब्रो को फिल कर रही हूँ। नेक्स्ट कलर करेक्टर के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है क्रायलन डर्मा का 303, जो कि एक ऑरेंज कलर करेक्टर है। यहाँ पे मैंने कलर करेक्टर को बहुत ही कम यूज़ किया है और अभी ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से उसे अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। देन फाउंडेशन के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है क्रायलन डर्मा का D742, जो कि मेरा एग्जैक्ट शेड है। और फाउंडेशन को मैं अपनी हाइलाइटिंग पॉइंट पे अप्लाई कर लूँगी और उसे फुल फेस पे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। हाइलाइटिंग पॉइंट पे फाउंडेशन अप्लाई करने से ये फ़ायदा होता है कि आपको पता चल जाता है कि आपके फेस को कितना ज़्यादा प्रोडक्ट की नीड है, यानी कि आपके फेस को जितना ही प्रोडक्ट चाहिए आप उतना ही प्रोडक्ट आप अप्लाई करते हो। सो इस वजह से ये वाला टेक्निक मुझे खास करके बहुत ज़्यादा पसंद है। ओके, नेक्स्ट अभी मैं यहाँ पे कर रही हूँ फेस को हाइलाइटिंग। और फेस को हाइलाइटिंग करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ फिटमी का फाउंडेशन। मुझे इसका शेड एक्चुअली याद नहीं है। और जैसे कि आप लोगों को शायद पता होगा कि हमारा हाइलाइटिंग पॉइंट कहाँ कहाँ होते हैं, जहाँ पे मैं नॉर्मली फाउंडेशन यूज़ करती हूँ अंडर आइज, ब्रिज ऑफ द नोज, फॉरहेड, क्यूपिड्स बो एंड हमारा चिन एरिया। तो हाइलाइटिंग कहाँ कहाँ करते हैं आप थोड़ा सा देख लो। मुझे ना इस तरह से अपने फेस को देखकर बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा हंस रही थी यहाँ पे। हाइलाइटिंग प्रोडक्ट को आपको अच्छे से ब्लेंड करना है, क्योंकि ये एक लाइटर शेड का प्रोडक्ट होता है। अगर आप इसे अच्छे से ब्लेंड नहीं करोगे तो ये आपकी फुल फेस को वाइट कर देगा, वरना आपके फेस पे एक वाइट कास्ट भी छोड़ सकता है। सो प्रोडक्ट हो गया है अच्छे से ब्लेंड, उसे सेट करना भी ज़रूरी है। सो इसलिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ फिटमी का कॉम्पैक्ट पाउडर। सो अभी मैं यहाँ पे करने वाली हूँ अपने फेस को कंटूर। और मैं ज़्यादा कंटूर करना मुझे पसंद नहीं है, और क्योंकि थोड़ा सा मुझे एक यू नो अपने फेस के स्ट्रक्चर को वापस लाना है, सो इस वजह से मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ सिवाना कलर मेकअप स्टूडियो पैलेट से एक डार्क कलर का शेड, जो कि मैं नॉर्मली यूज़ करती हूँ। और मेरी बहुत सारे वीडियो में आप लोगों ने शायद वो वाला पैलेट देखा होगा। और उसी सेम पैलेट से मैंने थोड़ा सा ब्लश भी अप्लाई कर लिया है यहाँ पे। सो नेक्स्ट मूव ऑन टू माय फेवरेट पार्ट, व्हिच इज़ हाइलाइटर। मुझे हाइलाइटर बहुत ही ज़्यादा पसंद है गाइस। और हाइलाइटर के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है मेबलिन मास्टर क्रोम हाइलाइटर इन द शेड मोल्डन गोल्ड। अब मेकअप तो हो गया, उसे सेट करना भी ज़रूरी है। सो इस वजह से मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ फॉरएवर 52 की सेटिंग स्प्रे। आई शेडो पैलेट के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है डी लांसी का ला कटरीना पैलेट। आई शेडो पे मैंने कुछ भी नहीं किया है, एक लाइट कलर का शेड लेकर बस अपनी मतलब अपनी आईलिड को बस सेट कर रही हूँ और कुछ भी नहीं कर रही हूँ यहाँ पे। वाटर लाइन के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है NYW की ब्लू काजल। देन एक ब्लू कलर की आई शेडो को लेकर लोअर लैश लाइन पे मैं अच्छे से स्मच करूँगी। लिपस्टिक पे मैंने यहाँ पे दो लिपस्टिक यूज़ की है, एक है ब्लू हेवन की एंड दूसरा है NYW की। ब्लू हेवन का जो 05 शेड का जो लिपस्टिक है वो थोड़ा सा डार्क है, सो इस वजह से मैं उसे बॉर्डर पे अप्लाई करूँगी और बाकी बचे पार्ट पे मैं NYW की लिपस्टिक यूज़ करूँगी। लाइनर के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है कलर बार का ब्लैक आई लाइनर। और फॉल्स लैशेस को कैसे यूज़ करते हैं, कौन सा फॉल्स लैशेस हमारे आईज़ के लिए अच्छा है, इसके ऊपर अगर डिटेल में वीडियो चाहते हो ना तो इसके बाद वो वाला वीडियो आने वाला है। तो मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और उसके साथ बेल का बटन होगा ही उससे ज़रूर प्रेस कर लेना, ताकि वो वाला वीडियो जब आए उसकी नोटिफिकेशन पहले आप तक पहुँचे। और उस वीडियो का छोटा सा क्लिप आप यहाँ पर देख सकते हो। नेक्स्ट अभी मैं यहाँ पे इस ब्लैक आईलाइनर के ऊपर एक ब्लू कलर का ग्लिटर लाइनर ड्रॉ करूँगी। सो इस वजह से मैंने उस आई शेडो पैलेट से एक ग्लिटर लिया है और उसे मैं सिंपली मेरी जो ब्लैक आईलाइनर है उसके ऊपर ड्रॉ कर रही हूँ। एंड नाउ आई एम डन विथ माई मेकअप। सो ये मेरा सिग्नेचर मेकअप लुक है, मुझे बहुत नेचुरल मेकअप लुक करना पसंद है। सो हियर इज द फाइनल लुक। और अगर आप लोगों को ये वाला वीडियो अच्छा लगा है देन आप लोगों को तो पता ही है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और उसके साथ एक बेल का बटन होगा,
उसे भी हिट करना है ताकि मैं जो भी नए नए वीडियो पोस्ट करूँगी उसकी नोटिफिकेशन आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।